BPM, बीट पर मिनट और मेट्रोनोम, ये दो ऐसे शब्द हैं जो शास्त्रीय संगीत में कम इस्तेमाल होते हैं, शास्त्रीय संगीत सीखने में कम इस्तेमाल होते हैं, लेकिन होने चाहिए। ये क्या क्या चीज़ें हैं और ये क्या इंस्ट्रूमेंट हैं और कैसे इनसे हम क्या सीख सकते हैं, इसके बारे में आज मैं पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ। पूरा वीडियो देखिए तो आपको मालूम चलेगा इन दो शब्दों का मीनिंग और इन इंस्ट्रूमेंट्स या इन कंसेप्ट्स का इस्तेमाल शास्त्रीय संगीत में या किसी भी संगीत में। लाइट म्यूज़िक में तो इनका नाम आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या होता है उसके बारे में आज मैं पूरी जानकारी दूंगा। पूरा वीडियो देखिएगा। सुनी मैं हरि आवन की आवाज, सुनी मैं हरि आवन की आवाज। वैसे तो मैंने कई बार मेट्रोनोम एप्लीकेशंस पर वीडियो बनाए, तानपुरा मोबाइल एप्लीकेशंस पर वीडियो बनाए, एंड सेपरेट मेट्रोनोम जो फिज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है उसको मैंने मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट था मेरे गुरुजी के पास, उनसे बोरो करके उस पर पूरा रिव्यू वीडियो बनाया कि ऐसा मेट्रोनोम होता है। लेकिन आज फिर से मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ हमारी नई जनता के लिए और वो सारा का सारा कंसेप्ट जो है इसी में कंपाइल कर दूंगा और ख़ास करके BPM पे बात करूंगा। मेट्रोनोम पे तो मैं कई बार बात कर चुका हूं, BPM पे उतनी बात नहीं हुई है, तो आज उसके बारे में ही हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आइए हम सर्च करते हैं और जानते हैं कि मेट्रोनोम एक्चुअली में होता क्या है और कैसा दिखता है। तो अगर आप मेट्रोनोम सर्च करते हैं गूगल पर तो इस प्रकार से कुछ आता है, काउंटिंग लिखी आती है, BPM लिखा आता है, और इसके इमेजेस में अगर आप जाएं तो इस प्रकार का कुछ अजीब सा इंस्ट्रूमेंट आपको देखने को मिलता है और कई सारे मेट्रोनोम एप्लीकेशंस पर भी ये चिन्ह बना होता है। इस पर मैंने पूरा सेपरेट एक वीडियो दिया है कि ये कैसे इस्तेमाल होता है और क्या क्या इसके यूजेजेस हैं और कैसे इसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मूल तौर पर मेट्रोनोम लय देने के काम आता है, लय यानी टाइमिंग, टेम्पो देने के, और BPM का अर्थ भी यही होता है, बीट पर मिनट। घड़ी के सेकंड के कांटे की जो गति होती है वो 60 BPM होती है, यानी एक मिनट में 60 बीट्स आते हैं, 60 सेकंड्स आते हैं, इसीलिए उसे हम 60 BPM कहते हैं। कोई भी टेम्पो अगर उससे कम है तो वो 60 BPM के नीचे आ जाएगा, 40, 30, 20 कितना भी, जो उससे तेज़ है, घड़ी की गति से जो तेज़ है वो 60 BPM के आगे जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई सा भी मेट्रोनोम एप्लीकेशन ले लीजिए, जैसे ये एक मेट्रोनोम एप्लीकेशन है, मेट्रोनोम बीट्स, ये मैं लैपटॉप में दिखा रहा हूँ, थोड़ी देर में फ़ोन में भी दिखाऊंगा। यहाँ 60 लिखा हुआ है, यहाँ बीट्स की ओर अगर आप ध्यान दें तो यहाँ 3 पर बार लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 कर दो तो ये आपने देखा ये चेंज हो गया। यहीं पे अगर मैं इसे 4 कर दूं तो ये से 4 लाइट्स आ गई। क्लिक्स में भी बहुत सारे आते हैं और ये डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स हैं और ये अलग अलग मेट्रोनोम एप्लीकेशंस का अलग अलग पैटर्न होता है, तो उस पर नहीं जाना है। अभी यहाँ पर देखें अगर तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये चल रहा है। अब यहाँ पे क्लिक्स अगर बदल दें, 4 कर दें तो किस तरह से साउंड आएगा, ये आपने देखा 4 गुने की गति, यानी टक 2 3 4, टक 2 3 4, यानी एक के अंदर हमने 4 मात्राएं डाल दी, ये 4 गुना हो गया। तो मोबाइल में ज़्यादातर जो एप्लीकेशन मैं प्रेफर करता हूँ वो टेम्पो परफेक्ट है, ये कोई स्पॉन्सर नहीं है, ये ऐसे ही मुझे एप्लीकेशन अच्छी लगती है इसीलिए मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। इसमें अच्छे फीचर्स हैं, 60 इसमें मैंने टेम्पो रखा है, यानी वो गति है जो टाइमिंग 1 2 3 ये आपको देगी। उसके बाद जब हम अलग अलग तालें करते हैं तो अलग अलग वज़न आते हैं, जो ये मेजर्स आप देख सकते हैं कि 7 को 4+3 या 3+4 कर दिया, जो रूपक का वज़न है कि 1 2 3 4 5 6 7, तो वो इसमें आ जाता है। तो चेंज करके बताऊंगा, तो नॉर्मल अगर बताऊं तो ऐसा साउंड है, ये इसका नॉर्मल साउंड है, लेकिन यही मैंने अगर मेजर 4 कर दिया तो ये इसका टाइमिंग बदल गया, 3 कर दिया तो। इसी के साथ अगर मैंने इसमें सब डिवीजन डाल दिया तो लयकारी होती है, ये आप देख रहे हैं एक ही के अंदर 60 BPM के अंदर ही डबल डबल चल रहा है, अब ये 4 गुना। तो ये एक मेट्रोनोम का काम है और यही BPM होता है कि बीट पर मिनट। अब ये क्यों ज़रूरी है,
जब हम लय का अभ्यास करते हैं तो उमूमन हम क्या करते हैं, सामने वाली की लय के साथ साथ हम करते हैं कि मैंने गाया, आप मेरे साथ गा रहे हो, रिपीट कर रहे हो, मैंने जो टेम्पो दिया आप वही टेम्पो को समझ रहे हो। ह्यूमन टेम्पो ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन मशीन का टेम्पो मेरे ख्याल से अगर एक बार ढंग से सेट हो जाए, अच्छी मशीन है और कोई इसमें फ्लॉ नहीं है, तो वो फिक्स चलता है। तो मेट्रोनोम के साथ करने से सबसे बड़ी जो बेनिफिट सबसे बड़ा आपको मिलता है वो यही है कि आप एक अच्छी लय की पकड़ समझ लेते हैं, वो जांच हो गई कि मैं गलत हो सकता हूँ, कोई और गलत हो सकता है, लेकिन ये मशीन तो सही जा रही है ना। और दूसरी चीज़ जो मेट्रोनोम का सबसे बड़ा एप्लीकेशन है वो होता है आजकल के गीतों में। पहले के गीत क्या हुआ करते थे, लाइव रिकॉर्ड होते थे। मान लीजिए कि आपने गाया, आपके साथ सितार बज रहा है, तबला बज रहा है, गिटार बज रहा है, कोरस है, सब एक साथ हुए, उनकी सबकी एक साथ रिहर्सल होती है और सबका एक साथ ही रिकॉर्डिंग होगी, एक ने भी मिस्टेक करी तो री रिकॉर्ड, रीटेक, दोबारा से होगा सारा काम। आज की तारीख में गाने रिकॉर्ड होते हैं मेट्रोनोम पे, यानी स्क्रैच वोकल जो भी कोई भी गाना है वो मैंने मेट्रोनोम पे एक टेम्पो पे 80 BPM 70 BPM उस पर रिकॉर्ड कर दिया, अब उसके अकॉर्डिंग ट्रैक बनेगा। यानी कौन से म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट लगेंगे, तो तबले वाला अपना गाना आएगा रिकॉर्ड करके चला जाएगा, अगले दिन गाने वाला आएगा उसके ही मुताबिक वो गा के चला जाएगा। तो स्वर तो तबले का भी एक जैसा हो गया, आपने पिच मैच कर लिया, लेकिन लय जो है वो मैच नहीं होती है, इसीलिए मेट्रोनोम का इस्तेमाल होता है कि 60 BPM पे अगर उसने गाया और 60 BPM पे आपने गाया तो वो यूनिवर्सली 60 BPM एक ही होगा। मैं यहाँ बैठ के अपनी वोकल आपको देहरादून में भेज दूँ कि उत्तर प्रदेश में भेज दूँ वहाँ, या पूरा विदेश में, अमेरिका में भेज दूँ कि ऑस्ट्रेलिया में भेज दूँ, वहाँ वो 60 BPM उतना ही है जितना यहाँ है। तो लय को यूनिवर्सल बनाने के लिए मेट्रोनोम का इस्तेमाल होता है कि आजकल के गाने ट्रैक्स में बनते हैं, यानी कोई भी एक ट्रैक होगा वो एक दिन रिकॉर्ड हो गया, अगले दिन दूसरा व्यक्ति आएगा रिकॉर्ड करके चला जाएगा उसी टेम्पो पे, और वो दोनों साथ में प्ले हो जाएंगे। तो लय आप जानती हैं, लय का मतलब ये होता है कि दोनों में समानता होनी चाहिए, एक जैसी गति होनी चाहिए, तो वो एक जैसा चलेगा, है कि नहीं, अपने आप ही। वरना पहले ये नहीं हो सकता था कि आपने गाया और मैंने गाया, दो अलग अलग कमरों में गा रहे हैं, अलग अलग जा रहा है, वो नहीं, यहाँ मेट्रोनोम है। स्टार्ट टाइम और एंड टाइम अगर मिला दिया जाए इसका एक जैसा, तो इसका सेम ट्रैक हो जाता है। तो ये मेट्रोनोम की खासियत है। ऐसे ही कई मेट्रोनोम एप्लीकेशन आते हैं, टेम्पो परफेक्ट है, ये दूसरा मैंने आपको मेट्रोनोम बीट दिखाया, इसमें सब डिवीजन मिल जाते हैं, तो क्या होता है, चार गुने दो गुने का अभ्यास या वो जो चाल है वो जल्दी समझ आ जाती है। अगर मैंने बोला कि चलो दो गुने का अभ्यास करो, तो आपको पता ही नहीं कि एक में दो कैसे भरते हैं, तो मैं बोलूँगा चलो भरो एक दो एक दो एक दो एक दो, तो आपको समझ आ गया, लेकिन घर में कर रहे हो तो एक दो अलग जा रहा है। तो मेट्रोनोम चलेगा और इसके साथ जब आप ताली लगाएंगे, मेट्रोनोम का रियाज ऐसे होता है कि साथ साथ में आप ताली लगाते हैं। तो कैसे रियाज होता है, जिस जहां वो टेम्पो चल रहा है उसी के साथ टेम्पो मिलाना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखा देता हूं, जैसे मैंने यहां 60 लगा दिया और ये चल रहा है, एक दो तीन चार पाँच छः, तो आप देख रहे हैं ये जिस टेम्पो में चल रहा है, जो टाइमिंग जितनी देर देर से इसकी टक 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 की आवाज़ आ रही, उतने में ही मेरी चुटकी भी बज रही थी और उतने में ही मेरी ज़बान से भी निकल रहा था, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, हर चीज़ मैं इसमें बोल सकता हूँ। इवन अलंकार भी मैं गाऊँगा तो सा रे ग म, हर चीज़ मैं इसमें टेम्पो टेम्पो में गा सकता हूँ। तो इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एप्लीकेशन है। अगर तबला नहीं है, मान लो तबले में तो क्या होता है, ताल लगती है, अब ताल लग रही तो फिक्स बोल बजेंगे तबले के, अब वो हमको समझ नहीं आ रहे तो हम कैसे करेंगे, तो मेट्रोनोम के साथ कर लीजिए। तबले में ये होता है कि निश्चित है कि भाई बार बार ताल कौन बदलेगा, इसमें ताल बदलने की ज़रूरत नहीं है, तो टिक 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 चल रहा है। अगर आपकी बंदिश चल रही है या कोई भी चीज़ चल रही है जो विभिन्न तालों में जा रहा है और आपको बार बार इलेक्ट्रॉनिक तबले पर ताल नहीं बजानी, एक बार सिर्फ उसको लय में अभ्यास करना है, मेट्रोनोम एप्लीकेशन पे अभ्यास कीजिए। तो मेट्रोनोम कहाँ कहाँ काम आता है, बहुत जगह काम आता है, और कितना यूज़फुल एप्लीकेशन है, इसका यूज़ होना चाहिए ताकि समान हो जाए, वरना बहस हो जाती है कि नहीं मेरी लय सही है, तुम बोलो नहीं तुम्हारी लय सही है, तो बोलो भाई मेट्रोनोम है, ये मशीन चल रही है, इसको तो आप नहीं झुटला सकते ना, ये लय है। लेकिन फिर कई लोग होते हैं जो लय की दिव्य दृष्टि रखते हैं, जो कहते हैं नहीं तुम्हारी ये मेट्रोनोम एप्लीकेशन बेकार है, इसमें सही नहीं है। तो कई बार ये भी होता है कि एप्लीकेशन वाकई में भी फ्लॉ हो, उसमें कोई ये भी हो सकता है, वरना एप्लीकेशन में इतना आसानी से कोई फ्लॉ नहीं होता। और लय की दिव्य दृष्टि रखने वाले लोग तो खैर फिर बहुत बड़े साधक हैं,
तो शायद हो सकता है कि उनके पास उनको लय एक अलग गहराई में समझ आती हो जो इस मेट्रोनोम एप्लीकेशन में नहीं है, लेकिन आम इंसान के लिए, बिगिनर्स के लिए मेट्रोनोम एप्लीकेशन बहुत काम की एक एप्लीकेशन है, जैसे तानपुरा की मोबाइल एप्लीकेशन है जो आपको स्वर का ज्ञान देती है कि इसी स्वर में रहना है, पिच समान रखने के लिए एक पिच, उसी तरह से लय समान रखने के लिए मेट्रोनोम, तो जगह जगह इस्तेमाल आ रही है, मेरे ख्याल से बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। इसके जो चंद और वीडियोस दिए हैं मैंने उसको भी देखिएगा, और लय की लयकारी की एक्सरसाइजेस दी हैं वो भी देखिएगा, साथ ही साथ मैंने कुछ ऑडियो लूप्स बनाए हैं। लूप क्या होता है, जैसे घड़ी होती है ना, सेकंड का कांटा चलता रहता है, 12 से 1, 12 से 12 से 12, 12 से 12, 12 से 12 घूमता रहता है, वो लूप में चल रहा है। उसी तरह से कुछ तालों को अलग अलग लयकारियों में बोलकर मैंने ऑडियो लूप्स बनाए, कुछ तो यूट्यूब पे भी हैं, कुछ ड्राइव पर हैं, गूगल ड्राइव पर हैं, जिसमें यह है कि जैसे मान लीजिए दादरा की ठा दुगुन चौगुन करनी है तो मैंने बोल रखी है, अब एक बार मैंने बोल दी और उससे मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, तो वो 10 मिनट तक चल रहा है। आप मेरे साथ बोल बोल के अभ्यास कीजिए तो दादरा की ठा दुगुन आपको भी अच्छे से आ जाएगी और एक सही लय में रहोगे क्योंकि मैंने मेट्रोनोम पे बोली है। इसी तरह से अलग अलग तालों की बोली है और अलग अलग अलंकारों को भी मैंने अलग अलग लयकारियों में करके ऑडियो लूप्स बना रखे हैं, तो वो उनका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उनका भी आप अभ्यास करें, मेट्रोनोम के साथ करें और उनका भी अभ्यास करें, अलंकारों का भी अभ्यास करें उसी तरह से, तो मेरे ख्याल से बहुत बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि मशीन के साथ या एक फिक्स्ड चीज़ के साथ रियाज करने से आप में भी वो लय का पक्कापन, वो समझ पैदा होती है। ठीक है, तो शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, आई होप आई वॉज हेल्पफुल, मदद मैंने की हो, कुछ शायद नया बताया हो आपको, ज्ञान में आपकी वृद्धि हुई हो, इसी तरह देखते रहें हमारा चैनल, बहुत बहुत शुक्रिया, कमेंट करें, लाइक करें और बताएं कि आपको क्या नया चाहिए, क्या हम नया और ला सकते हैं, बहुत शुक्रिया।